जो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ फायर में। तो आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन को एक बच्चे ने WhatsApp पे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन को बता दीजिए, साथ में वीडियो बना के बता देंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, उन बच्चों के लिए ये दो क्वेश्चन, मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टैन ए अपॉन में वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन में वन माइनस टैन ए इक्वल टू वन प्लस सेक ए कोसेक ए हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो टैन और कॉट में जो दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो जो हमारा प्रॉब्लम टैन और कॉट में है, अगर हम चाहें तो दोनों को साइन और कॉस में चेंज करके करें तब पर भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा, या फिर एक टैन में है कॉट में है तो कॉट वाले को टैन में कन्वर्ट कर लें फिर करें तब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए ये टैन है तो इसको टैन में रहने दीजिए, ये हो गया टैन अपॉन वन माइनस कॉट को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, वन अपॉन में टैन, तो कॉट की जगह पे वन अपॉन में टैन ए और प्लस कॉट की जगह पे वन अपॉन में टैन ए और ये आ जाएगा वन माइनस टैन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे वन अपॉन वन का और यहाँ पे वन और टैन का, जब एलसीएम लेंगे ऊपर तो पहली बार टैन ए ही रहेगा और जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा टैन ए, और टैन ए का इसमें मल्टीप्लाई तो टैन ए माइनस में वन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये टैन नीचे आएगा तो वन अपॉन में टैन और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वन माइनस टैन ए, वन माइनस टैन ए हो जाएगा। अब देखिए इस टैन को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए अपॉन में टैन ए माइनस में वन, यहाँ पे टैन ए माइनस वन है, यहाँ पे वन माइनस टैन ए है, अगर इसमें से माइनस कॉमन करें तो ये माइनस हो जाएगा और ये टैन ए माइनस वन हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे प्लस जो है जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस और यहाँ पे वन और नीचे हो जाएगा, यहाँ पे टैन ए है ना, इसको सिर्फ टैन लिखा है तो ये टैन ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन ए और ब्रैकेट में हो जाएगा टैन ए माइनस में वन हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म में से वन अपॉन टैन ए माइनस वन को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो वन अपॉन टैन ए माइनस वन को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा टैन स्क्वायर ए माइनस वन, माइनस वन अपॉन में टैन ए बच जाएगा। ठीक है, इतना तो बहुत सिंपल तरीके से है तो इतना समझ में आ गया होगा। अब जो ब्रैकेट में आया है फिर एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम लेंगे तो टैन और वन का एलसीएम टैन ही होगा और टैन का टैन स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो टैन क्यूब माइनस वन, तो वन अपॉन में टैन ए माइनस वन और ब्रैकेट में आएगा टैन क्यूब, टैन क्यूब ए माइनस वन अपॉन में कितना आ जाएगा टैन ए आ जाएगा। अब देखिए टैन क्यूब माइनस टैन क्यूब ए माइनस वन यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिए आप लोग फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है ए बी होता है, और इसी फॉर्मूले को टेन क्यूब माइनस वन के क्यूब में, वन को क्या लिख सकते हैं वन का क्यूब तो राइट कर ही सकते हैं, तो वन के क्यूब में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे टेन ए माइनस वन और ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो पहले ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह पे टेन ए माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में टेन स्क्वायर ए प्लस वन और ए बी की जगह पे वन इंटू टेन यानी कि प्लस में टेन ए हो जाएगा और टोटल अपॉन में कितना हो जाएगा टेन ए हो गया, ये आ गया। अब देखिए टेन ए माइनस वन क्या हो गया कैंसिल,
अब हमारा रिजल्ट क्या आया, टेन स्क्वायर ए प्लस वन और प्लस क्या हो गया टेन ए, और टोटल अपॉन में कितना आ गया टेन ए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ऐसे टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन ए प्लस वन अपॉन में टेन ए प्लस टेन ए अपॉन में टेन ए, इस तरीके से हम लोग राइट करते हैं। तो टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन ए प्लस वन अपॉन में टेन ए और प्लस टेन ए अपॉन में कितना हो जाएगा टेन ए। ये दोनों कटेंगे तो ऊपर एक टेन आएगा और ये कट हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा टेन ए प्लस कॉट ए और प्लस कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। अब टेन को हम लोग साइन अपॉन कॉस राइट कर सकते हैं, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए और कॉट को कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस हो गया वन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ए कॉस ए और ऊपर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, उसकी वैल्यू वन और प्लस हो गया वन। अब इसको राइट कर सकते हैं वन अपॉन साइन इंटू वन अपॉन कॉस, और वन अपॉन साइन होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक ए और वन अपॉन कॉस होता है सेक ए और प्लस हो गया वन, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ पे जाके क्या होता है सॉल्यूशन इसका कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है रूट में वन प्लस साइन ए अपॉन में वन माइनस साइन ए। अब रूट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, कुछ नहीं रेशनलाइजेशन मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है वन प्लस साइन ए और अपॉन में है वन माइनस साइन ए, ये दोनों क्या है रूट में है, देखिए रूट में ही है ना, तो हमको क्या करना है इसी रूट में ऊपर नीचे वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, वन प्लस क्या करना है साइन ए से मल्टीप्लाई करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसका अपोजिट साइन लेके हमको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तब देखिए रूट में क्या हो जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए और ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब वन का स्क्वायर लिखे चाहे वन लिखे बात तो वही है। अब देखिए तो ये हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर भी स्क्वायर में है डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में है तो रूट जो है वो हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो आ जाएगा वन प्लस साइन ए और नीचे आ जाएगा कॉस ए। इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको राइट कर सकते हैं वन अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और वन अपॉन कॉस हो जाएगा सेक ए और साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा टेन ए, और ये हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। दो क्वेश्चन पूछा गया था, दो क्वेश्चन मैंने बता दिया, और एक बार आप लोग फिर ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी के लिए मैथ्स फायर व्हाट्सएप ग्रुप लेके आया है, उस ग्रुप में क्या करना है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और जो आपका डाउट हो जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप लोग ग्रुप में भेजिए, मैं उसका वहाँ पर सोल्यूशन दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो क्वेश्चन के नीचे वीडियो राइट करके आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मैसेज किया करिए, क्वेश्चन पूछा करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।